सो हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई एम साक्षी भैया। तो गूगल का बर्थडे मनाने के बाद और एक नए व्लॉग में, देखिए यार, हम उधर साइड देखते हैं ना क्योंकि कैमरा उधर साइड है, मतलब मुझे ऐसा लगता है। तो गूगल का बर्थडे मनाने के बाद, सेलिब्रेट करने के बाद, एक तो मेरा तबीयत काफ़ी ख़राब था, तो अभी मैं अपना बर्थडे मनाने जा रही हूँ। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मेरे फेस में क्या लगा हुआ है। बात ऐसा कि मम्मी हमें बोली कि दूध पी लो, और दूध जैसे ही उछल रहे थे गिलास में, पूरा मलाई गिर गया। अब गिर गया उधर उस पर, मतलब वो किचन का जो भी प्लेट वगैरह, अरे यार टाइस फाइव वगैरह, अरे यार क्या प्लेटफॉर्म होता है, उस पर गिर गया। मम्मी ना देखे इसलिए क्या किए, तुरंत मलाई उठाया और अपने मुंह में लगा लिया और बोले कि मम्मी मेरा चेहरा बहुत ड्राई हो रहा था, इसलिए हमको मलाई लगाना है आज बचने के लिए। तो अभी टाइम क्या हो रहा रिया, रियल वाला इसमें देखे, अभी हो रहा है, मतलब 10 मिनट बाकी है मेरे बर्थडे में, तो मुझे देखना है कि पहले कौन विश करता है। हाँ, हाँ यार, तुम तो यहाँ पे हो ही, खैर ऐसे कौन विश करता है। तो यहाँ पे मैं लगाई हूँ और रिया अभी जा रही है मुझे। गाइस, हो गया है टाइम हो गया है गाइस। गूगल सबसे पहले तुम्हों को बोल, वैसे कृष्ण जी हमको बोलेंगे सबसे पहले, ये सब हटा ले यार थोड़ा सा। अरे हैप्पी बर्थडे टू यू इन मेरे कृष्ण जी की तरफ से पहला हैप्पी बर्थडे। ओके, मुझे आरसीआर का कॉल आ गया। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। बस आप लोग का आशीर्वाद बना रहे हैं ना गूगल, धन्यवाद राहत जी। आ रहे छोटी का फोन आया। हेलो, बर्थडे, धन्यवाद, जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं भगवान आपको दो। पगलेट लड़की है, कुछ भी पगलाती रहती है। तो पहला बर्थ विश था मेरे कृष्ण जी की तरफ से, दूसरा विश आरतीआर की तरफ से, गूगल की तरफ से, राहत की तरफ से, छोटी की तरफ से, और हमको गूगल आज मेरा बर्थडे है, कल तुम्हारा बर्थडे था, आज मेरा बर्थडे, आज हमको गिफ्ट में क्या दोगी गूगल, क्या दोगी, कुछ तो दे दो, टॉफी दोगी हमको, चॉकलेट बोल दो, प्यार देके दे दिया तुमको। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे टीम मेंबर मुझे इतने अच्छे मिले हैं, जो मुझे हर साल सबसे पहले विश करते हैं, स्पेशली आरसीआर, राहत। अभी अमित का फ़ोन नहीं आया, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है अमित के ऊपर। आई थिंक वो थोड़ा बिजी होगा शूट में या जो भी कह लो, बट अमित मेरा व्लॉग देख रहे हो ना, तो बहुत ज़्यादा गुस्सा है भाई तुमसे। अभी तक तुम हमें फ़ोन नहीं किए हो, 12:02 हो गया है, कहाँ हो बे तुम? हैप्पी बर्थडे दीदी। क्या हैप्पी बर्थडे? थैंक यू। तुमको मेरा बर्थडे याद था क्या? पोपो वाला मोबाइल चाहिए, पहले मोबाइल चाहिए विश करने इसलिए आए कि इनको मोबाइल चाहिए। तुमको मेरा बर्थडे याद था क्या तेजस? पोपो वाला मोबाइल, जाओ मोबाइल चला लो। 12:30 12:30 सोएंगे नहीं, मोबाइल चलाएंगे, भाग जाओ रूम में से मेरे, निकलो, गेट आउट नाउ, जाओ भागो कट्टी। अब कल तुमको केक थोड़ी ना खिलाएंगे, आज गूगल के बर्थडे में खाली, अब कल नहीं खाओगे, चलो जाओ भागो। खाएंगी। क्यों खाओगे, तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? पोपो वाला मोबाइल पोपो वाला मोबाइल देखने, हमको बर्थडे विश नहीं करना है, ये मतलब भी इंसान है ना। काफी लोग आ गए हैं अच्छी से मिलने के लिए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो अभी भाई भी उधर खड़ा है और भैया उधर है।
अरे भाई भी दो मिनट वहाँ खड़े दे सकते। तो यार मुझे उस समय जब मैं मधुबन में थी तो काफ़ी सारे डीएम आ रहे थे कि दीदी मैं अस्सी घाट पे आ गई, आपका वेट कर रही हूँ। काफ़ी लोग को लग रहा था कि अस्सी घाट पे बहुत लोग इधर उधर भी भटक गए थे। आप सभी लोग से माफ़ी मांगना चाहते हैं जो लोग अस्सी घाट पे आके वेट किए, तहे दिल से माफ़ी मांगते हैं आप सभी लोगों से। और मैंने मधुबन में इसीलिए रखा था क्योंकि यहाँ पर छाव है तो आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो, बट माफ़ी चाहते इसके लिए आप लोगों से। तो बाबू आ जाओ। हाँ दो उसको ए लो केक ले जाओ। मधुबन में कहाँ से सीखी हो इतना अच्छा? ये बताओ ये सिखाए कौन है भैया? पैसे सिखा दिए इतना अच्छा बोलिए कैसे सिखाए हैं आप इसको? क्या गाता है? कैसे सिखाए हैं? पानी पी रहा है वो। शहर बन चुके जब भूत अब लोग मुझे केक खिला रहे थे और मुझे केक खाना बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है और मुझे बिल्कुल खतरा केक नहीं पसंद है। मुझे कपड़ों का बहुत खाना मेरा खाती हूँ बट लोगों का मैं दिल नहीं तोड़ सकती थी। वो खा रही थी और फिर इसके बाद लोग फोटो वोटो ले रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था बट मेरा तबीयत नहीं ठीक था तो अंदर से थोड़ा टाइट फील बहुत ज़्यादा हो रहा था। और फेमस डायलॉग तो बाद में बोलेंगे, पहले आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। और जिस तरीके से आप अपना भौकाल मेंटेन किए हुए हैं उस तरीके से आप भौकाल इस तरह चापे रहिए एकदम, क्योंकि उत्तर प्रदेश का भौकाल है तो सब कुछ है। तो मेरा तो एक लाइन फेमस हुआ है, उस पर काफी रील्स लोग बना रहे हैं कि कृपया इस जनपद में आने से पहले यहाँ की हिस्ट्री किसी चाय वाले से पूछ लेना। मैंने एक भौकाली आदमी कह रहा है कि यहाँ आने से पहले यहाँ की हिस्ट्री किसी चाय वाले से पूछ लेना, कि कृपया इस जनपद में आने से पहले यहाँ की हिस्ट्री किसी चाय वाले से पूछ लेना, वरना एम्बुलेंस की नहीं चार कंधों की आवश्यकता पड़ सकती है। क्या बात है। और एक बार फिर से आपको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो भैया बहुत दूर से आए, उनका शूट भी चल रहा है अभी। भैया आशा शायद शूट पे जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, बनारस से। कौन सा लोकेशन? आशा आशा में वहाँ पहुँचेंगे। और मजा आया यहाँ, इतने भाई मिले। हम लोग भी भूखे हैं, फिर मैं कहना चाहूँगा भूखे होते हैं लोगों से मिलने के लिए। हम तो ऐसा भी जहाँ छोटा मोटा कार्यक्रम तो वैसे पहुँच जाते हैं, यहाँ पहुँचेंगे मिलेंगे। अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो चलिए फिर सबसे मुलाकात हो गई, इतने लोग आए थे। भैया सिंगर है अपने साथ के, गौरव भैया के, और मंडल भैया घुसे हुए हैं कहीं, बाकी अभिषेक भैया, बाकी सारे लोग बहुत दूर दूर से आए हुए हैं। और ये लोग अपने भाई बहुत पहले से सपोर्ट करते आए हुए हैं सभी लोग, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आया लेकिन लेट है, केक बट गया है। केक चला गया, कोई बात नहीं, बाहर चल के पेस्ट्री का काम चला लिया। सिस्टम भी टाइट है यहाँ लगे हुए हैं सब। तब क्यों ऐसा क्यों? गलती हमारी है, एक्सेप्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम आए थे सो गाइज, अभी हम आए थे कल केयर और दीदी काफ़ी ज़्यादा हमको बुला रही थी तो ये काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रही थी। थोड़ा गाना बंद कर दीजिए, कॉपी राइट ओके। लेके जाएंगे घर, देखिए मंगवाई है तो अभी आप लोगों को दिखा, आरसीआर दिखाएगा आगे करके। तो दीदी 5 दिन पहले से ही बोल रही थी, और केक भी देखिए एकदम साक्षी के मुंह की तरह लाई है, मिल रहा है। ये केक हमेशा कल केक बहुत खोज रहा था मैं गूगल के। और अपना लाइव भाई भी आ गया है, लाइव घाट वहाँ भी था और यहाँ भी आ गया, और भाई भी साथ में आए हुए, और भैया उधर हैं ही बाकी ये भैया। और
राहत, सारे लोग हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। चलिए, और बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे लोग का बर्थडे आएगा, कुछ मिलता नहीं भी। लड़कों पे अत्याचार शुरू से हुआ जा रहा है इधर यहाँ पे। आपको मंडल भैया पूछे थे किस नाम से थे? अच्छा, भूल गए थे हम। बोले अरे भैया, करे यार नाम नहीं आता, अरे पहचान ले, बताओ क्या नाम, के नाम नहीं पता था उनका। आज दिखा देंगे, ये देखिए यही थे। नहीं नहीं, आप कट कराइए। हम तो अभी केक कट रहा है। सैलून हो गया है अपना। फाउंडेशन निकल रहा है। हाँ हाँ, थोड़ा सा तो लगे, हल्का सा है। बस बस बस, चलिए दीदी इधर आइए आइए आप। अरे एकदम बहुत मेहनत से आया हुआ है, ये नकली के इसलिए। दीदी इतना प्यार दिखा रही है भाई, मतलब मिला नहीं कि कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। पूरा खा लो, पूरा खा लो, पूरा खा लो, पूरा। अरे भाई, बनारस बहुत मिस कर रही है शाम। बनारस तो भाई अरिजीत सिंह, क्योंकि मेरे बर्थडे के साथ साथ आचार का भी बर्थडे बनने लगा। आपके भी कार पे लगना चाहिए, गलत बात है। नहीं नहीं, आज आचार का पूरा आर्शर, तुमको अपने बर्थडे पे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये लगा दोगे। हम लोग आ गए चाय सुट्टा बार, और हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए। यहाँ पर थोड़ा सा लाइट की कमी है, यहाँ पर लाइट वगैरह नहीं जल पा रहा है। कोई बात नहीं, हम लोग अंदर अलग से बैठे हुए हैं, VIP की तरह। राहत एकदम पर्सनल बुक कर दिए थे हम लोग, आराम से आएंगे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। एकदम चाय सुट्टा बार में हम लोग यहाँ पर बैठे गए। तो अभी हम लोग कुछ ऑर्डर किए हैं खाने पीने के लिए, क्योंकि आज सुबह से हम लोग कोई तीनों लोग में से कोई चाय पिया नहीं है। भी अपने भाई का है अनुभव दुबे, साक्षी दुबे, तो भी खाएंगे पिएंगे, फिर अभी देखते हैं। हम लोग का प्लान था कि हम लोग डोनेट करेंगे, तो क्या हुआ, क्या संडे था और जो मतलब खाना बनाने वाले रहते हैं वो बंद कर दिए हैं। तो अभी हम लोग थोड़ा, आज हम लोग का ये प्लान स्पॉइल हो गया। तो राहत बोला है कि अब जो जब 200 के हो जाएगा ना, तो सीधे उसी समय हम लोग कर देंगे सारा, जो जो पेंडिंग अभी आज बचा है और पिछला जो भी पेंडिंग बचा हुआ है सब 200K पे हम लोग कर दिया जाएगा। तो जल्दी से हम लोग का 200K करा दीजिए। पास्ता नहीं आचार तो करे। ये राहत अकेले ही आज बुक किए हैं यहाँ पे, आराम से हम लोग बैठ के यहाँ पे खाए पिए। ऐस करे मित्रों, ऐस करे मित्रों।
चाय सुट्टा बाहर अपना भूख गया है। ये स्पेशली स्पेशल नाश्ता, ये नाश्ता देखो भाई सबके बस की बात नहीं है, सबके बस की बात नहीं है, पचाने सबकी बस की बात नहीं है, इतना मैदा हो जाएगा, मैदा हो जाएगा, जो मैदा खा ले वो कभी पैदा नहीं हुआ। और ये चल रहा है भूखे अपना उधर रखा हुआ है। और ये देखिए भाई अभी बाहर का नजारा और वो लोग बाहर का, हम लोग का पर्सनली मिल चुका है यहाँ पे। चाय सुट्टा बार के मालिक ने मैसेज किया था कि मेरे अनुभव दुबे ने इसको मैसेज किया था साक्षी दुबे को कि पर्सनल आप हमारे वहाँ चले जाए। सच बताओ भाई ये रुपया नहीं लगाया, ये बस सच है। बस चाय आप दिए, कोई चीज फ्री में उतना लेना चाहिए जितना अच्छा लगे। तो ये बता चल रहे अभी यहाँ से निकलते खाते के फिर जाते ही घर, फिर वहाँ पे भी बर्थडे इसका मनाया जाएगा, ब्लॉग कल ही आएगा। तो बस 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 फोटो केक के लिए हमको भी खिलाओ, हमको भी खिलाओ, इतना हम थक गए कि मेकअप नहीं किया है, रियल लिपस्टिक लगा रही है हमको। दो केक था तो एक केक बड़ा प्यारा था, उसको देख के हमारा मन मोहित हो गया, उसको काटने का दिल नहीं कर रहा था, उसको रख दिया नेक्स्ट डे के लिए, तो अभी आज उसका हत्या करेंगे। हमको बहुत ज़्यादा नींद आ रहा है, मैं केक में काटने का मन नहीं कर रहा है। आज का ये पाँचवा केक है, यहाँ पे एक से एक लालची भरे हुए हैं जिसकी वजह से हमको ये केक काटना पड़ रहा है, इसका हत्या करना पड़ रहा है। सबसे बड़ा लालची ये है साला। मुझे इस बात की खुशी नहीं है कि आज मेरा जन्मदिन है, मुझे इस बात की खुशी है कि आज मेरे दुख भरे जिंदगी का एक और साल कम हुआ। गम भरे गलत है, गम भरे होता है, मेरे भौकाल बाजी जिंदगी का एक साल कम हुआ, ये डायलॉग मेरे लिए बना। वाह क्या बात है। सार्थक तो अपना ब्लॉग में फेस नहीं दिखाएंगे, इसलिए बहुत अच्छा काम और बहुत समझदारी से फोन को ले चुके हैं और ब्लॉग बनाने के लिए तैयार हैं। मेरी हालत खराब हो रही है। और तो कैंडल है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए गाइस, मुझे लगा था वो वाला आएगा, नहीं, स्पार्कल वाला हम लोग बहुत छोड़ लिए, वो नए जमाने का, बट ये पुराने जमाने का जस्ट। और असली बर्थडे का मजा तभी आता है जब ऐसे कैंडल जलता है और वो अपने दिल की इच्छा मांगी है जल्दी से। अच्छा ये सब कुछ नहीं होता है, राधे राधे। वैसे तो ये बताना नहीं चाहिए मगर माफी चाहते हैं क्योंकि मेरा ये पूछ जाएगा, तो आप सब इसे कर राधे राधे हर हर महादेव। अब फूको हम भी फूकेंगे साथ में ना, 1, 2, 3। Happy birthday to you. ये मैजिक कैंडल नहीं है। Happy birthday to you. लगाना मत लगाना, चलो हटो, लगने लगाने वाले बहुत अच्छी। पहले गूगल फ्रेंड दो, गूगल खिलाई थी, इतना तुम गा दी कि गूगल पकड़ के तो वही वाला तो है, उसका क्रीम निकाल उसको लो गूगल लो गूगल कम शिट शिट। अब जाइए आप हाथ धो के, कोई आया है गेट पे जैसा आगे आ जा रहा है बार बार कौन क्या उसे मत काटना डैडो, दूसरा टाकू मंगवा रहे, दूसरा टाकू लाओ, केक खिलाइए ना, केक खिलाओ, हाथ दे जा रहे हैं, रुको बोलो, ये वाला, ये वाला एरिया चाहिए। चाकू को हम जूठा कर चुके हैं इसलिए दूसरा चाकू लेने लोग गए हैं, ठीक है। और हमें नींद, और हमारी गिम्बल गूगल, और हमें नींद आ रहा है काफी ज्यादा। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे होके थक गया है अब, पहले ऐसा इंटरेस्ट नहीं लगता है कि हैप्पी बर्थडे है भी कुछ हिस्सा, मगर फॉर्मेलिटी करने के लिए केक काट देते हैं, रियलिटी ये है समझे। हमको तो एक महीना पहले से खुशी रहता है कि मेरा बर्थडे, कोई गिफ्ट नहीं दिया है हमको, नहीं मैं लाया हूँ। अच्छा ये अच्छी बात है,
कोई प्यार दिया है। क्या दिया है? ओजस भैया को दिया ना, हमको तो कोई गिफ्ट नहीं दिया है ना। चॉकलेट तुम ली थी। फटाफट खोल ले जल्दी में। तुम नहीं खाए थे चॉकलेट? इसके सामने दिया था क्या? हाँ ये भी दिया था लाने के लिए। ये भी आ गया चॉकलेट। तेजस दुबे हमारा बहुत पट्टा खोल दिया, बस हमको चॉकलेट और केक मिला है और कुछ नहीं मिला हमको गिफ्ट में। बहुत कुछ। अगर कैडबरी वाले भैया देख रहे हैं तो आप लोग देख सकते हैं क्या फ्रॉडगिरी हो रहा है यार। किसमें से इधर से एक चॉकलेट निकला हुआ है, यहाँ से एक चॉकलेट निकला हुआ है और यहाँ से एक चॉकलेट निकला हुआ है। तो ये बिहेवियर अच्छा नहीं यार। कोई पैसा लगा के अगर कोई चीज़ ले रहा है ना तो उसमें अच्छे से रहना चाहिए। बड़ा गंदा लगा यार हमको ये। असल में कुछ नहीं निकला, अगले में बस भाई कितना सारा चॉकलेट है मेरे पास। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है इतना सारा चॉकलेट मुझे देख के एक साथ। तो इन सब चॉकलेट को मैं करूँगी एक पन्नी में और इसको डाल दूँगी अपने कवर्ड में, अपने कवर्ड में रखेंगे, लॉक करके रखेंगे इस बार। ये मुझे दिया है राहत ने, एक और चॉकलेट दिया था वो मैं खा गई हूँ।